Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना वेट कैसे गेन कर सकते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम, क्योंकि मेरा भी वेट कम था ट्रेनिंग के टाइम. सो मैंने कैसे बढ़ाया वो वेट और कैसे कोप अप किया. एंड आई एम श्योर कि काफ़ी लोग होंगे जिनको ये वेट का इशू होगा ही ट्रेनिंग के टाइम, बिकॉज ऑफकोर्स आप मतलब परफेक्ट उस वेट के अंदर नहीं आ सकते, है ना, जैसा उन्हें चाहिए. ठीक है, सो इसलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो भले ही आपका वेट कम हो ज़्यादा हो जो भी हो, अगर आप बोलने बोलने में अच्छे हो, आपका ग्रूमिंग अच्छा हो, दे आर सिलेक्ट यू. ठीक है, क्योंकि मेरा भी वेट का इशू था, बट दे आई टोल्ड देम कि यू नो आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट, ऐसे सब करके. सो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे बोला नहीं. तो आप भी ऐसा बोल सकते हो कि आई विल इंक्रीज इट, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पर. तो मैं आपको बताऊँगी मेरा वेट कितना था, मैंने कितना बढ़ाया. And if you're interested, please keep watching. Okay, so मेरा weight 44 था training के time पे. And उससे पहले मैं 48-50 के around थी. But COVID की वजह से you know काफ़ी weakness आ गई थी. And काफ़ी लोगों ने experience किया हुआ ये चीज़, कोई किसी का weight gain हो गया था, किसी का lose हो गया था. So मेरा ना lose हो गया था, 44 हो गई थी मैं. जब मैं select हुई तो ना मेरा weight, मतलब मेरी height जो है 5'3 है. ठीक है, so 5'3 के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए उनके हिसाब से, दैट इज 45.5 से लेके 48 समथिंग. ओके, जो 5'2 है 5'3 है दोनों के लिए यही था. ठीक है, आई वॉज 44, तो मेरे को ऐसा लगा कि ओके इट्स जस्ट 1 kg, सो आई विल इंक्रीज इट. ठीक है, बट अभी इतने टाइम से आई कुड नॉट इंक्रीज इट, तो उस टाइम पे कैसे कर सकती थी मैं, है ना, ऐसा मैंने सोचा. बट आई डेंट वॉन्टेड दैट कि यू नो सिर्फ वेट या हेल्थ की वजह से आई विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हो, सब कुछ आप क्लियर कर लेते हो, कुछ एफर्ट नहीं लगता है जिसमें आपने इतने एफर्ट्स दे के क्लियर किया, और सिर्फ एक छोटी सी रीज़न की वजह से आपको निकाल दिया जाता है. ठीक है, सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होगा. ठीक है, सो आई हैव टू गेन वेट. अब मैंने ऐसे कुछ नहीं किया कि यू नो रिसर्च किया है, ये किया, वो किया, नथिंग, आई डिड नथिंग. मैं सिर्फ खाती रहती थी. एंड प्लस आई एम वेजिटेरियन. ठीक है, सो आई नो कि वेजिटेरियन होकर बहुत मुश्किल हो जाता है वेट बढ़ाना. ठीक है, सो स्टार्ट में व्हाट आई डिड वाज, मैं पहले 2 रोटी खाती थी. आई इंक्रीज्ड माय रोटी का इंटेक, आई मेड इट 3 रोटी ज़बरदस्ती. ठीक है, ज़बरदस्ती खाती थी, 3 तो खानी ही है, मतलब ऐसे हो गया था. ट्रेनिंग में जाऊँ, चावल बहुत लेती थी मैं, चावल रोटी, एंड इफ चावल या तो सिर्फ चावल होते थे वहाँ पे या तो दोनों होता था, तो उस टाइम पे या तो मैं 3 रोटी ले लेती थी या तो चावल और रोटी ले लेती थी. ठीक है, तो वो खाती थी. पीजी में भी मैं जब जाती थी तो 3 रोटी ज़बरदस्ती खाती थी मैं, ज़बरदस्ती. ठीक है, जंक फूड यहाँ वहाँ तो खाते ही थे, एंड पर जंक फूड खाने नहीं बोल रही मैं आपको, बट यू नो जंक फूड खाने से भी थोड़ा बढ़ता ही आपका वेट. तो ऐसे नहीं कि आपने खाना ही है, जंक फूड ही खाना है, पता ये था कि मेरा मतलब मैं 3 रोटी भी खा रही थी, फिर थोड़ा जंक वंक भी खा ली थी, कभी ऐसे मैगी वैगी बना ली और कुछ तली हुई चीज़ें खा ली, है ना, तो उस वजह से भी थोड़ा वेट पे फ़र्क पड़ता ही है. बट मतलब हेल्थ वाइज अगर आप देखें कि हेल्दी भी आप रहें, क्योंकि आप 3 महीने ट्रेनिंग में रहेंगे, ठीक है, घर से दूर रहेंगे, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा. अगर आप बीमार हो गए और आप एक भी दिन अगर ट्रेनिंग मिस करते हो तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, इट्स अ लॉट. तो उसका अवॉइड करने के लिए आपको अपनी हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा. आई यूज़ टू ड्रिंक कोकोनट वाटर, जो कि बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए. मैं वहाँ पे कोकोनट वाटर पीती रहती थी, मैं और मेरी रूममेट, हम दोनों मंगाते थे एंड कोकोनट वाटर ही पीते रहते थे. सो वो भी आप कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई एम अ वेजिटेरियन, बट मैंने ना अंडा खाया हुआ है, मतलब ट्राई किया हुआ है एंड ऑल, और मुझे अच्छा लगता था. एंड एग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो आपकी वेट को बढ़ाएगा. ठीक है, सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन आई वुड सजेस्ट जो मैं आपको रोटियों का एंड रोटी चावल ये सब आप खाएं बहुत ज़्यादा. ठीक है, अपना रोटी का इंटेक बढ़ाएं, उससे आपका काफ़ी फर्क पड़ेगा. एंड इफ़ यू कैन ईट एग, प्लीज़ ईट एग, क्योंकि एग ने जो आपका मतलब मेरा जो वेट उसने बढ़ाया है एग ने. ठीक है, मतलब मैं 44 से 46-47 हो गई हूँ.
ठीक है, विद इन टू मंथ्स भी नहीं, आई वुड से 1.5 मंथ, मतलब मेरे को जिस दिन पता चला, क्योंकि आपको स्टार्ट में पता लग जाता है फर्स्ट वीक में कि आपका वेट इतना इतना है, आपको इतना बढ़ाना है ये, तो आप ना तभी से शुरू कर लो, आप वेट मत करो यार 3 महीने बढ़ जाएगा, एक केजी तो है, 1 kg इज अ लॉट, मतलब कि एक मेरा बढ़ गया था ना, लाइक मेरा 44 था, मुझे 45 तक आना था, बट फॉर अ सेफर साइड दे वर आस्किंग मी टू बी ऑन 46, क्योंकि थोड़ा बहुत तो वेट कम ऊपर नीचे होता है, तो ऊपर नीचे भी हुआ तो एटलीस्ट आई एम 45, अगर मैं नीचे भी हुआ, अगर बढ़ गया तो इट्स ओके, ठीक है। सो आपको जितना आपको वेट बढ़ाना होगा उससे 1 kg ज्यादा ही रखना पड़ेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज यू नो यू नेवर नो आपका वेट ग्रेजुएशन के टाइम भी दे चेक, तो ग्रेजुएशन में आपका अगर वेट कम ज्यादा हो गया देन इट्स ओवर, ओके, तो उसकी वो आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। सो मैंने एग खाया, 3 रोटी खाती थी, वाटरमेलन क्यों निकल रहा है मुँह से, वाटरमेलन भी मैं पीती थी, आईफ्लाई में जो ट्रेनिंग में जो हम लोग का कैफेटेरिया होता था ना, वहाँ पे वाटरमेलन जूस भी मिलता था, एंड द बिगेस्ट फॉर द वेजिटेरियंस वो बनाना, 2 बनानास खा के जाती थी ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग के अंदर मैं वो भी पीती थी बनाना मिल्क शेक, वो भी हमारे कैफेटेरिया में मिलता था। गाइस आप अंडा नहीं खा सकते, इट्स ओके, ड्रिंक दिस, इनफैक्ट बनाना तो खाओ ही, साथ में जो मिल्क शेक है ना वो आपके इतना हेल्प कर देगा ना आपका वेट बढ़ाने के लिए कि आप पूछो ही मत, ठीक है। सो द मोस्ट हेल्पफुल वॉज बनाना, मतलब उसका ना सबसे मेजर पार्ट था, एंड ऑल्सो बनाना इज वेरी हेल्दी फॉर यू, इट कीप्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो रियली गुड, सब एकदम बहुत अच्छा हेल्दी बॉडी रहता है आपका। सो व्हाट ऑल डिड आई से, बनाना, एग, अपनी रोटी का इंटेक बढ़ाओ, ठीक है, मतलब सब्जी भी लो बट रोटी एंड चावल इज ऑल्सो अ मस्ट, चावल खाओ, एंड वॉट एल्स साइड बाय साइड जो भी आपको लगता है कि नो आई शुड ईट दिस आई शुड ईट दैट, जितना हेल्दी और अच्छा खा सकते हैं आप उतना खाएं, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, एंड आप ना मुझे थैंक यू बोलोगे कमेंट पे जब आपका हो जाएगा, सच्ची मैं बोल रही हूँ, मैं बिकॉज इट रियली वर्क्स, मैंने ट्राई किया है, मेरा हुआ है, मैं क्लियर करके आई हूँ, ठीक है, तो हुआ है, सच में हुआ है, एंड अगर आप ट्रेनिंग में और आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज फॉलो दिस एंड आई एम श्योर कि आपका वेट बढ़ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर आपको इसके बावजूद कोई डाउट होता है आई एम फ्री टू आंसर इट, प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो योर डाउट्स योर क्वेश्चंस एंड कौन सा वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हो मैं उसको बना दूंगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई डोंट नो मैं कब 200-300 सब्सक्राइबर्स पे हुआ करती थी एंड इट्स 2500 फाइनली, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच एंड See you guys in my next video. Bye.